हेलो फ्रेंड्स, रुच शक्ति किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कसूरी मेथी घर पर कैसे बनाएं इसके बारे में बात करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने मेथी ले ली है। आजकल मेथी खूब आ रहा है, तो आप इसको ले सकते हैं। और इसके जो ये जो पत्तियां होती हैं, इनको हमें तोड़ लेना है। पत्तियों को ही तोड़े, डंडी को ना तोड़े, क्योंकि डंडी इसकी कुछ कड़वाहट भरी होती है, तो उसे कसूरी मेथी का स्वाद अच्छा नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने मेथी को तोड़ लिया है। अब मैं इसको वॉश कर लूंगी। इस तरीके से पानी में डाल करके इसको 4 से 5 बार वॉश कर लें। पानी सादा ही लें आप। मेथी को मैंने धुल लिया है और अब इसको इस तरीके से, कोई स्टैनर टाइप का हो तो आप उसमें रख दें और नीचे एक उसके कोई बर्तन लगा दें, जिससे कि एक्स्ट्रा का पानी उसी में निकल जाए। अब इसको 1 घंटे के लिए इसी में छोड़ देते हैं। जिनके घरों में फ्रेंड्स जगह नहीं होती है सुखाने की, या जिनके पास टाइम नहीं होता है, वो इस मेथड से कसूरी मेथी बहुत ही जल्दी बना लेंगे। अब फ्रेंड्स, 1.5 से 2 घंटा हो चुका है, तो अब आप देख सकते हैं ये कुछ ड्राई सी हो गई है। जो पानी था इसमें एक्स्ट्रा, वो सब निकल गया है। अब मैंने एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है, आप टॉवल भी ले सकते हैं, और इस तरीके से इसको फैला देंगे इस तरीके से, एक एक पत्ती करके फैला देंगे। और इसको जो इसमें पानी है वो सूख जाने देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये सूख गई है। अगर ये सूखने में थोड़ा टाइम ले रही है, तो आप इसको इस तरीके से मसल मसल करके कोई भी कपड़े से इसको सुखा सकते हैं। अब ये सूख गई है, अब इसको एक प्लेट में रख लेते हैं। फ्रेंड, गैस ऑन कर लेते हैं और एक मोटे तले की कढ़ाई ले लेते हैं, या आप कोई और भी मोटे तले का बर्तन ले सकते हैं। अब इसमें मैं नमक डाल दूंगी। ये नमक मैंने पहले भी यूज किया है, इसलिए इसका थोड़ा सा कलर अलग सा है। अब मैं इसमें एक स्टैंड रख दूंगी, ये सभी के घरों में होता है। और जो मैंने मेथी सुखा ली है उसको मैं रख दूंगी। फ्लेम को 3 से 4 मिनट तक फुल रखना है। अब इसको फ्रेंड ढक देना है। फ्रेंड्स, 5 मिनट करीब हो चुके हैं। अब इसका प्लेट हटा के देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि अब ये कितनी कम हो गई है, क्योंकि जो इसमें पानी था वो कुछ जल गया है। अब इसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पलट देंगे, जिससे कि सभी जगह का पानी सूख जाए और मेरी कसूरी मेथी बन करके तैयार हो जाए। अब फिर इसको ढक के रख देंगे और अब फ्लेम लो टू मीडियम रखना है और इसको 4 मिनट बाद फिर देखते हैं। अब फ्रेंड्स, इसको खोल के फिर देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये कितनी कम रह गई है और कितनी ड्राई लगने लगी है। ऐसे ही इसको कुछ देर और पका लेंगे और ये जो इसमें जितना भी पानी है बिल्कुल सूख जाएगा। अभी इसको ढक के कुछ देर और पकाएंगे। हर बार इसको ऊपर नीचे जरूर कर दें, जिससे कि ये हर जगह से ड्राई हो जाए। अब इसको फिर ढक देते हैं। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं, अब ये बिल्कुल बन गई है। आप देख सकते हैं कितनी करारी सी हो गई है। अब इसको निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कसूरी मेथी बनकर के तैयार हो गई है। आप इसे देख सकते हैं और इसकी आवाज को सुन सकते हैं, है ना बढ़िया। तो आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं और आप इसका कलर भी देख सकते हैं कि कितना ग्रीन आया है। और ये आपको मैं दिखाऊं कि ये मार्केट वाली है, और देखिए आप इसके कलर में और ये अपने घर के कलर में कितना अंतर है। घर की भी है, शुद्ध भी है, सस्ती भी है। तो फ्रेंड्स, इसको जरूर आप भी ट्राई कीजिएगा।
मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।